Hello, what's up guys, my name is Bilal. In this lecture, we have started our new course, Bootstrap 4. जी हाँ guys, इस lecture में हम अपना new course जो है वो start कर रहे हैं. तो ये हमारी introductory class होगी, ठीक है. तो guys, इसके अंदर हम बात करेंगे जो हम topic जो हम cover करेंगे इस course में, ठीक है. तो उन सब को हम देखेंगे. तो चलिए guys, शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस देखें, हमारे पास जो है पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट यू विल लर्न इन दिस कोर्स, ठीक है. तो मतलब इस कोर्स में आप क्या सीखेंगे, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉलिंग बूटस्ट्रैप, कि आप बूटस्ट्रैप को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट में. एंड हाउ टू यूज़ CDN लिंक, तो CDN लिंक का बताऊँगा कि CDN लिंक को कैसे हम यूज़ करेंगे. थर्ड वन जो है गाइस वो है ग्रिड सिस्टम, जो कि एक बहुत ही पावरफुल और ज़बरदस्त फीचर है बूटस्ट्रैप का, ठीक है, इस पर हम बात करेंगे, ठीक है. और उसके बाद बूटस्ट्रैप नेबार टेबल फॉर्म एंडसेट्रा, ठीक है. तो ये सब चीज़ें कवर करने के बाद हम एक न्यू सीरीज़ जो है वो अपनी शुरू करेंगे, और वो सीरीज़ ये होगी कि हाउ टू यूज़ प्लगइन इन आवर प्रोजेक्ट. तो गाइस जो प्लगइन हैं उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज ये सारा इंट्रोडक्शन हो ही गया कि हम ये चीज़ें हम कवर करेंगे, ठीक है. तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं टाइपोग्राफी पे बात करूँगा, ठीक है, एंड देन ग्रिड सिस्टम, ठीक है. तो सबसे पहले अगर आपने सबसे इसको अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना है, तो आपने जाना है अपने क्रोम में, और यहाँ पर आपने टाइप करना है बूटस्ट्रैप सिंपल, ठीक है. आप यहाँ टाइप करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा, और आपने जो फर्स्ट लिंक है getbootstrap.com आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है. तो आप जो बूटस्ट्रैप की जो वेबसाइट है इस पर आ जाएंगे, ठीक है. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसको डाउनलोड कैसे करना है. तो डाउनलोड आप यहां से भी कर सकते हैं. तो आपने आना है ओपन न्यू लिंक में, ठीक है. तो यहाँ पर आएँगे तो ये देखें आपके पास कंपाइल CSS एंड JS फाइल, ठीक है. तो यहाँ पर देखें आपके पास डाउनलोड ऑप्शन है, ठीक है. तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा और जो फाइल है आपकी वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, इन फ्यू सेकंड. तो अब गाइस बात है कि देखिए हमारे पास ये है CDN लिंक, तो इसको हम यूज़ कैसे करेंगे. तो और ये जो हमारे पास जो है बूटस्ट्रैप जो फोल्डर आएगा, जो यानी कि हमारे पास zip फाइल आएगी, तो हम फाइल के थ्रू हम देखेंगे एंड CDN के थ्रू भी हम देखेंगे, ठीक है. तो पहले मैं आता हूँ यहाँ पर, एक जो फाइल है न्यू फाइल वो क्रिएट करता हूँ. फाइल का नेम होगा index.html, ठीक है. तो यहाँ पर जो हमारी फ़ाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है, ये फाइल आ चुकी है. और जो स्ट्रक्चर है वो भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ, HTML5, ठीक है. तो अब गाइस बात करते हैं हम फाइल की. तो फाइल जो है वो गाइस डाउनलोड हो चुकी है. अगर मैं इसको करूँ शो इन फोल्डर, तो ये फोल्डर में शो हो गई हमारे पास, ठीक है. तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी. कॉपी करने के बाद मैं गाइस आता हूँ अपने डेस्कटॉप पे, और यहाँ पर आकर मैं एक फोल्डर जो है वो क्रिएट करता हूँ, ठीक है, बूटस्ट्रैप, ठीक है. तो बूटस्ट्रैप के नेम से मैंने जो है फोल्डर जो है मैंने क्रिएट कर लिया, ठीक है. और मैं इसके अंदर जो है फाइल को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है. इसको अगर मैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हेयर करूँ, तो जो हमारा जो फोल्डर है वो यहाँ पर आ जाएगा. आपने जाना है इसके अंदर. तो हमारे पास देखें यहाँ पर CSS एंड JS फाइल आपको यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है. अगर मैं ओपन करूँ, तो आपने जाना है CSS के अंदर. तो आपने यहाँ से कौन सी फाइल लेनी है, वो है bootstrap.min.css एंड bootstrap.css. आप इसका मिन वर्जन जो ले सकते हैं, और ये भी ले सकते हैं. तो मैं मिन को यूज़ करूँगा. कॉपी करने के बाद तो गाइस आपने आना है यहाँ, इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है. इस तरह JS में जाइएगा. JS में आपने bootstrap.js.min इसको आपने कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपने आना है यहाँ पर और इसको पेस्ट कर लेना है. गाइस हमारे पास ये दोनों फाइल हमने यहाँ से ले ली है. तो मैं अब इसको यहाँ से जो है इसको रिमूव कर देता हूँ, डिलीट. एंड देन गाइस इसके बाद जो है बल्कि मैं सारे को जो है
कट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। हमें ये दो फाइल ही चाहिए थी उसमें से, वो हमने ले ली। यहाँ पेस्ट करता हूँ और ये जो दो फोल्डर हैं गाइस उनको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं आता हूँ, jQuery मैंने डाउनलोड करनी है तो आपने आना है न्यू टैब में और यहाँ पर सिंपल गाइस आपने jQuery प्रेस करना है, ठीक है, jQuery, ठीक है। तो jQuery जैसे प्रेस करेंगे तो हमारे पास आइए एक लिंक आ जाएगा, फर्स्ट लिंक ही आपने क्लिक कर देना है तो आप jQuery की जो वेबसाइट है वहाँ पर मूव कर जाएंगे। तो यहाँ पर देखें डाउनलोड jQuery, तो यहाँ से आपने jQuery को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हमारे पास एक अनकंप्रेस है और एक कंप्रेस है। अगर मैं अनकंप्रेस करूँ तो देखिए आपको ये एक यानी कि ब्यूटीफुल जो है प्रोग्रामिंग जो आपको दिखाई दे, रिकॉर्ड दिखाई देगा। और अदर हैंड साइड गाइस अगर मैं यहाँ पर करूँ कंप्रेस तो आपको यहाँ पर देखें समय नहीं आ रहा कि क्या है। तो ये है कंप्रेस एंड अनकंप्रेस मेन एंड आप देखते हैं CSS सिंपल, ठीक है। तो अब आपने कैसे अपने कंप्रेस वर्जन जो है डाउनलोड कर लेना है, मर्ज़ी आपकी डिपेंडेबल है आप पे, ठीक है। कंट्रोल एस करेंगे, वो पूछेगा भी कहाँ पर सेव करना है इसको, तो मैं उसे बताऊँगा कि भाई डेस्कटॉप है और डेस्कटॉप के अंदर बूटस्ट्रैप का एक फोल्डर है, यहाँ पर आपने इसको सेव कर देना है, तो वो फाइल जो है वहाँ सेव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने इसको यहाँ से क्लोज़ कर देना है, क्लोज़, ठीक है, एंड देन क्लोज़, बल्कि इसको क्लोज़ ना करें, कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करेंगे, जो आपने क्लोज किया होगा वो दोबारा आपके पास आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब मैं आता हूँ, ओके गाइस आप देखें मैं इसी फोल्डर को ही मतलब उठा लेता हूँ, ठीक है, यानी कि ओपन फोल्डर, फोल्डर कहाँ है, डेस्कटॉप पे, डेस्क, तो ये हमारा यहाँ पर ये बूटस्ट्रैप का फोल्डर जहाँ पर हमने फाइल्स को कंबाइन किया है, ठीक है। देखिए हमारे पास 3 फाइल्स है, बूटस्ट्रैप मेन डॉट CSS, बूटस्ट्रैप मेन डॉट JS एंड jQuery फाइल, ठीक है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आपने इस तरीके से फोल्डर को ही ओपन कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक फाइल जो है मैं क्रिएट करता हूँ, फाइल का नेम होगा index.html, ठीक है। तो ये फाइल जो है यहाँ पर ओपन हो गई है। तो सबसे पहले जो HTML का स्ट्रक्चर है गाइस वो आपने यहाँ पर आपने डिफाइन करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप अपना स्टाइल यूज़ कर सकते हैं, तो स्टाइल के लिए यहाँ पर आप एक न्यू फाइल ले सकते हैं, style.css, ओहो तो ये सी की फाइल आई थी ओपन होगी, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और न्यू फाइल तो style.css, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके पास जो है फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है CSS की, तो आप यहाँ पर इसका अटैचमेंट कर सकते हैं style.css, ओके। नेक्स्ट जो गाइज है वो आपने अटैच करना है आपने CSS main.css की फाइल, तो इसको आपने इसके नेम को कॉपी करना है, ठीक है, कॉपी नेम, और आना है यहाँ पर आपने इसको यहाँ पेस्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है गाइज आपने क्या करना है, आपने JS की फाइल जो है उसको यहाँ से कॉपी नेम करना है, एंड आपने इसको यहाँ पर जो है आपने अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपने यहाँ पर जो है आपने स्क्रिप्ट और टाइप, ठीक है, इसका सोर्स SRC सोर्स, और यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से गाइस अगर मैं करूँ यहाँ पर स्क्रिप्ट, ओके, एंड SRC और यहाँ पर जो है मैंने jQuery की जो फाइल है वो अटैच करनी है, कॉपी नेम एंड पेस्ट। तो ये तरतीब गाइस आपने यहाँ रखनी है, पहले आपने main.css को करना है, फिर JS, फिर jQuery फाइल, ठीक है। सेव करता हूँ, तो अगर मैं इसको गाइस ओपन करूँ तो आपको कुछ दिखाई देने वाला, ठीक है, सिंपल एक ब्लैंक पेज आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर कुछ बूटस्ट्रैप या कोई क्लासेस जो है वो ऐड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एक डिव लेता हूँ, क्लास लेता हूँ और कंटेनर, ठीक है। और कंटेनर जो है इसको मैं पैडिंग देता हूँ, पैडिंग लार्ज 5, ठीक है। एंड देन गाइस जो है मैं इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ BG सेकेंडरी। तो गाइस इसकी टेंशन मत लीजिएगा, ये सब कुछ मैंने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करना है, ठीक है। तो उसे चेक करने के लिए हम यूज़ करें यस। तो गाइस देखिए हमारे पास जो है बूटस्ट्रैप की जो फाइल्स हैं वो अप्लाई हो चुकी हैं,
सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये था, हम फाइल्स के थ्रू हम करते हैं। तो नेक्स्ट जो है गाइज, वो अब फाइल के थ्रू, तो आपने पता लगा कि फाइल के थ्रू इस तरीके से आपने अटैचमेंट करनी है। तो पहले आपने मेन डॉट सी एस एस फाइल आपने लेनी है, एंड देन आपने मेन डॉट जे एस फाइल, ठीक है, डाउनलोड किया जो आपने बूटस्ट्रैप का सेटअप जिप फाइल में, वहाँ से। तो जेक्यूरी की फाइल आप डाउनलोड करेंगे या कंप्रेस या अनकंप्रेस वर्जन में आपने डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद गाइस अब बात करते हैं कि सीडीएन लिंक को कैसे अटैचमेंट करते हैं। सीडीएन लिंक के लिए तो मैं इस फाइल को यहाँ से मिनिमाइज़ कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो फाइल है, ये हमारी वो फाइल है जो पहले हम यूज़ कर रहे थे। तो फाइल की अटैचमेंट मैंने फोल्डर जो है गाइस मैंने यहाँ पर ही क्रिएट किया था अपने डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो देखें जो जो फाइल मैंने यूज़ की है, बूटस्ट्रैप, ये सारी फाइलें मैंने अटैच करके एक मैंने जो है आपको दिखाया है कि फाइल्स के थ्रू हम कैसे हम बूटस्ट्रैप को रन कर सकते हैं, ठीक है। तो और सीडी लिंक के लिए गाइस आपके पास इंटरनेट होना ज़रूरी है, ठीक है, विदाउट इंटरनेट भी वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है तो आप सीडी लिंक यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप फाइल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सब्सिडियन को हम कैसे यूज़ करेंगे, आपने आना है अपने बूटस्ट्रैप में, और यहाँ देखें यहाँ तो हमने फाइल को डाउनलोड किया था। अब हम बात करेंगे सीडीएन लिंक, तो पहले आपने कॉपी करना है, तो इस फ्रंट को आपने कॉपी करना है। कॉपी करके आपने आना है यहाँ पर और इसको यहाँ ऊपर पेस्ट करना है हेडिंग में। तो हेड के टैग में आपने इसको पेस्ट करना है, ओके। तो इसकी जो ऑरिएंटेशन है गाइस वो हम सेट करेंगे, तो ओके वेट, ठीक है, सेव इट। तो ये हो गया हमारे पास ऑरिएंटेशन इसकी। तो देखिए हमारे पास ये थी हमारे पास बूटस्ट्रैप मेन डॉट सी एस एस की फ़ाइल, एंड ये जो नेक्स्ट जो फाइल है गाइस वो हमारे पास है मेन डॉट जे एस फाइल, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास जो लिंक है सीडन लिंक, वो है हमारे पास दो, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, कॉपीड, एंड यहाँ से मैं आता हूँ अपने फाइल में, और यहाँ पर देखें इसको आपने सबसे नीचे यहाँ पर बॉडी में यहाँ पर एंड पार्ट पे आपने इसको यहाँ पेस्ट करना है, ठीक है। तो कमेंट के लिए गाइस मैंने बताया था वही कंट्रोल शिफ्ट और क्वेश्चन मार्क प्रेस करेंगे तो कमेंट आ जाएगा आपके पास इस तरीके से, ठीक है। तो खैर यहाँ इसको पेस्ट कर दो, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपने देखें अब कौन कौन सी जो फाइल है जो हमारे पास अटैचमेंट हुई है। एक तो हुई है जे क्यूरी की फाइल जो हमारी अटैचमेंट हुई है, दूसरी है popper.js, ठीक है, popper.js मेन डॉट जे एस फाइल, ठीक है। तो ये दो फाइल हम नीचे यानी कि बॉडी से मतलब क्लोजिंग से पहले इसको अटैचमेंट करेंगे, और बाकी का जो पार्ट है वो हम हेडिंग में करेंगे, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं कि ये अप्लाई हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ div क्लास कंटेनर, एंड गाइस जो हमारे पास पैडिंग है पैडिंग लार्ज 5, ठीक है। एंड गाइस जो हमारे पास पैडिंग हो गया, उसके बाद मैं bg कलर वार्निंग देता हूँ, ठीक है, सेव इट। अगर गाइस मैं इसको ओपन करूँ तो जी गाइस हमारा जो सीडीएन लिंक है वो भी सक्सेसफुली जो है वो अटैचमेंट हो गई उसकी, यानी कि बूटस्ट्रैप वर्किंग कर रहा है, ठीक है। तो गाइस ये था हमारे पास हम कैसे फाइल्स के थ्रू हम बूटस्ट्रैप को रन कर सकते हैं, एंड हाउ टू रन बूटस्ट्रैप बाय यूजिंग सीडीएन लिंक। तो गाइस ये था हमारे पास एक मेथड, और गाइस एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि एक तो थी मेथड ये हमारे पास कि हम सीडीएन लिंक को इस तरीके से अटैच करवा सकते हैं कॉपी करके। तो गाइस जो सबलाइम का अपना एक पैकेज है बूटस्ट्रैप 4 का, अगर वो आप इंस्टॉल कर लेते हैं, तो मैंने दो लेक्चर जो है सबलाइम पे भी बनाए हैं कि हम पैकेज कंट्रोल को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सबलाइम के अंदर, ठीक है। तो जो पैकेज है वो गाइस मैंने वीडियोस मैंने इनकमिंग मैंने यानी कि अपलोड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें पैकेजेस का फ़ायदा क्या है, मैं सिंपल b4cdn लिखता हूँ और इंटर करूँगा, तो देखिए जितने भी हमारे पास जो सीडीएन लिंक है वो ऑटोमेटिकली जो है वो अटैच हो गया है, ठीक है। तो ये है फ़ायदा गाइस हमारे पास बूटस्ट्रैप का, ठीक है। तो इस तरह ये हम पैकेजेस का यूज़ करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू।
wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah.